नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं चेतन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार में देखने के लिए मिल रहा है कि समय समय पर बम्पर भर्तियां निकाली जा रही हैं और वैकेंसीज ऐसी जिसमें हर एक विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है, हर एक विद्यार्थी कहीं ना कहीं उस पद के लिए क्वालिफिकेशन जो है, योग्यता जो है उसके पास है। यहीं पर देखने के लिए मिल रही है नई वैकेंसी। बिहार बिजली विभाग में यहाँ पर वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं। अगर वैकेंसीज की संख्या की बात करें तो भाई 2000 से भी अधिक पद आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, 2000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। क्या है इसकी योग्यता, कैसे अप्लाई करना है, पेपर कब करवाया जा सकता है, फीस कितनी भरनी है और क्या आप इस पद के लिए मतलब एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, इस संपूर्ण चीज़ का विश्लेषण करेंगे आज के हमारे सेशन में, आज के हमारे इस इवेंट में। तो चलिए सर, यहाँ पर आपके सामने आपको एक नोटिफिकेशन का पेज जो है वो ओपन नजर आ रहा होगा। अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं सर इसको आपके लिए अच्छे तरीके से जूम कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं सर, डिपार्टमेंट पहले देख लीजिए भाई, बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड। यहां पर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है सर? टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए या नहीं हैं आप एलिजिबल। ठीक, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे सर, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंदर वैकेंसीज हैं कुल मिला के पदों की संख्या यहाँ पर आपको 2000 मिल रही है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में शुरुआत में ही ये चीज दी गई है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है। अब यहां पर एक जी लिखा हुआ है, एक डब्ल्यू लिखा हुआ है। जी का मतलब है जनरल और डब्ल्यू का मतलब है महिला, मतलब स्त्रियों के लिए ये पद सुरक्षित किए गए हैं। तो जनरल कैटेगरी में 325 पद जो है वो जी कैटेगरी मतलब जनरल के लिए हो गए। इसमें महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसीज दी गई हैं जिनकी संख्या है 175। एक तरीके से ये पुरुषों की संख्या हो गई इतने पदों पर और ये महिलाओं के हो गए 175 पद जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 130 और 70, एससी में सर हमारे 260 और 140, एसटी में अगर आप देखेंगे तो 26 पोस्ट और महिलाओं के लिए 14 पोस्ट आरक्षित हैं। ईबीसी की अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जनरल के लिए 325 और वुमेन्स के लिए 175। बीसी की अगर आप देखेंगे तो जनरल के मतलब बीसी जी में, जी का मतलब सर मैं जनरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पुरुषों को यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ, मेन्स को यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक, और महिलाओं के लिए अगर आप देखेंगे तो 126 आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, ईबीसी का मतलब उसने बता रखा है भाई एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, बीसी का मतलब है बैकवर्ड क्लासेस जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमने वैकेंसीज के बारे में समझ लिया, वैकेंसीज की संख्या जो है वो कितनी हमें देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद सर नीचे चलते हैं और नीचे चल के देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है। पूरी की पूरी नोटिफिकेशन अंग्रेजी में जारी की गई है तो घबराइए मत, मैं आपको हिंदी भाषा में बहुत ही संक्षेप में इसको समझा दूंगा। ठीक, अब यहाँ पर जान लीजिए योग्यता क्या है। सर योग्यता में वो कहता है एक तो आप मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, ठीक है, आप मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए या फिर आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता कम से कम आप मैट्रिकुलेशन होने चाहिए और साथ के साथ मैट्रिकुलेशन के साथ अगर यहां पे एंड लिखा है इसका मतलब है साथ में ये भी होना चाहिए। तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेशन डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। जो भाई वैलिड होता है वो वाला डिप्लोमा आपका चलेगा, 2 साल मतलब वो वाला आईटीआई आपका चलेगा। एक आईटीआई होता है, एक डिप्लोमा होता है, एक बीटेक होता है। तो यहाँ पर 2 साल का जो आईटीआई होगा ना जिस विद्यार्थी के पास इलेक्ट्रिकल में और साथ के साथ उसका मैट्रिकुलेशन पास होगा, ये दोनों चीज़ें जहाँ पर होंगी वो बच्चा इस पद को भरने के लिए एलिजिबल है, योग्य है। आगे चलते हैं सर, द अपियरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट अप्लाई एलिजिबल टू अप्लाई, द एप्लीकेंट मस्ट पोजेस द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। वो बोल रहा है भाई जो अभी कर रहा है, पास नहीं हुआ है, उसको ये फॉर्म नहीं भरना है क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आई है ना उस दिन से ही कंसिडर किया जाएगा कि आपकी योग्यता इसके हिसाब से है या नहीं है। अब चलते हैं सर अगले पन्ने पर, अगले पेज पर जानते हैं कि यहाँ पर वो क्या बता रहा है न्यूनतम योग्यता या फिर न्यूनतम आयु के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है कि इस समय डिपार्टमेंट आपको निकाल सकता है, इस समय आपको हटाया जा सकता है इस पोस्ट से जो आपने हासिल करी है। अगर 2 साल के अंदर अंदर डिपार्टमेंट आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उनको लगा भाई तुम ड्यूटी पे आने की जगह बाहर रोड पर बटरगस्ती कर रहे हो, तो भाई साहब उस परिस्थिति में तुम्हें निकाला जा सकता है। इस चीज़ को दिमाग में सुनिश्चित कर लो, सेट कर लो।
अब 2 साल तक जो प्रोबेशन पीरियड होगा ना, उसमें जो तुम्हें भाई सैलरी पे बैंड बता रहा है, वो बता रहा है 9200 रुपए से लेके 15500 का पे बैंड तुम्हें मिलेगा। इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन पीरियड, मतलब 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में जब तुम्हारा 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर तुम्हें 7वें मतलब 7th पे स्केल के हिसाब से जो सैलरी है, वेतन बनेगा, वो तुम्हें वेतन सैलरी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, रेगुलर पे एज लेवल 4 एंड 7th जो पे स्केल आपको मिल जाएगा उसके हिसाब से आपको सैलरी जो है वो दी जाएगी। अब आता है कि भाई मैं एलिजिबल हूँ, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मतलब मैं मैट्रिकुलेशन भी कर रखा है, साथ के साथ ITI भी मेरे पास 2 साल की है इलेक्ट्रिकल में ही। अब क्या सर मेरी एज लिमिट का भी कोई चक्कर है? तो भाई मिनिमम एज और मैक्सिमम एज भी उसने बता रखी है। मिनिमम एज सबके लिए 18 साल है, चाहे EBC, BC, EWS, SC, ST जितने आपको मिलेंगे सबके लिए मिनिमम न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष है। और अधिकतम आयु सीमा जनरल के लिए आप देखेंगे 35 है, SC के लिए 42, ST के लिए 42, EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो आपको मिले जाएंगे उनके लिए 40 है, बैकवर्ड क्लास के लिए 40 है, और फीमेल जनरल कैटेगरी की UR के उनके लिए भी 40 आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाएगी। तो यहीं पर एज रिलैक्सेशन उसने बता दिया है कि न्यूनतम तो भाई इतनी मिलेगी और अधिकतम आपको जो मिल जाएगी वो इतनी मिल जाएगी। ठीक, और रिजर्वेशन विल बी गिवन इन द टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन रूल्स, मतलब अगर आप बिहार के हैं भाई तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, इस चीज को भी थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक, अब चलते हैं सर अगले पन्ने पे, और अगले पन्ने पे देखते हैं कि क्या हमारे लिए यहाँ से कोई आवश्यक चीज़ है। हाँ सर, यहाँ से फीस मिल जाती है हमें आवश्यक, हमें पता होना चाहिए कि कितना पैसा हमें यहाँ पर चुकाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन फीस का जो पैसा है सर, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1500 रुपये। ये मिल जाएगा अनरिजर्व EBC BC के लिए 1500 रुपये फीस है, इसकी फॉर्म की जो फीस है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स देखोगे जिनके पास बिहार का ही डोमिसाइल है, उन दिव्यांग जन देखोगे जो 40% से अबव दिव्यांग है, इसके अलावा फीमेल देखोगे जो बिहार की हैं केवल, उनके लिए 375 रुपये फीस रखी गई है, बाकी हर एक विद्यार्थी को इसकी 1500 रुपये फीस जो है वो चुकानी पड़ेगी। कितनी फीस चुकानी पड़ेगी भाई? 1500 रुपये फीस जो है आपको इसके लिए चुकानी पड़ेगी, इस चीज़ को याद रखिए। इसके फॉर्म भरना जो है सर शुरू हो गए हैं, 1 मार्च से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए, 30 मार्च तक आप इसके फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, इस चीज़ को भी थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना। यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ सर कि फॉर्म भरने की जो तारीख है वो कब से लेके कब तक है, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि आपको कब तक अप्लाई कर देना है, कब इसका पेपर करवाया जाएगा, कौन सी डेट को इसकी परीक्षा होगी, एक बार उसके बारे में भी यहाँ पर हम देख लेते हैं और यहाँ से हम चीज़ों को उसके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, आपको साफ साफ क्लियर क्लियर अक्षरों में शायद नज़र आ रहा होगा, तो मैंने बताया 1 मार्च 2024 से इसके फॉर्म जो है वो भरे जाने वाले हैं। कब से फॉर्म भरे जाने वाले हैं? 1 मार्च 2024 से इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं, और ये जो फॉर्म भरे जाएंगे ये भरे जाएंगे 30 मार्च 2024 तक। इसकी जो परीक्षा करवाई जा सकती है वो करवाई जा सकती है मई जून 2024 में, मतलब बहुत लंबा समय नहीं दिया गया है। मार्च के अंत तक आप फॉर्म भर रहे हो, अप्रैल और मई और जून, मतलब हार्डली आपको 60 दिनों का समय ही इसके लिए मिलेगा। 60 डेज का टाइम यहां पर आपको मिल जाएगा इससे संबंधित काम को करने के लिए। ठीक है, तो इससे संबंधित काम को करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिल जाएगा? लगभग अगर आप देखेंगे तो आपको 60 दिनों का समय इसके लिए दिया गया है काम करने के लिए। अगला पेज देखते हैं सर, नेक्स्ट पेज यहां पर देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या हमारे लिए कुछ आवश्यकता है। तो देखिए नेक्स्ट पेज में वो डॉक्यूमेंट बता रहा है कि भाई कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है जो आवश्यक है, कौन कौन से वो दस्तावेज हैं जो आवश्यक हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा आपको भाई ITI की मार्कशीट यहाँ पर लगानी है, क्रीमी कास्ट लेयर का अगर सर्टिफिकेट है वो लगाना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट लगाना है एज प्रूफ के लिए, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको लगाना है। तो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन हम आपकी उत्कर्ष के बिहार उत्कर्ष का अपना जो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा वहां पर इस नोटिफिकेशन को हम आपकी अपलोड करवा देंगे प्रॉपरली। तो वहां से आप इसके बारे में जो अन्य जानकारी है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए अपलोड करने के लिए फॉर्म भरते समय, मगर ज्यादा कोई अलग दस्तावेज नहीं होते होते भाई, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास अपना पहचान पत्र ID प्रूफ एक होना चाहिए, बिहार के निवासी वो होना चाहिए, अगर आप भाई बैकवर्ड क्लास EBC इनसे आते हैं तो आपके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके भाई सिग्नेचर डलते हैं और आपकी एक फोटो जो है
वो यहाँ पर आपको डलती हुई नजर आ जाती है। क्या डलती हुई नजर आ जाती है? एक फोटो आपको यहाँ पर अपनी और डलती हुई नजर आ जाती है, ठीक। चलिए, इसके अलावा सर इसका जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा कैसे? इसका पेपर CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसका करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड इसका टेस्ट होगा। उसका सिलेबस यहाँ पर दे रखा है सर, प्रॉपरली अच्छे से उसका सिलेबस दे रखा है। देखो CBT लिखा हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका होगा। कब होगा? मई और जून में होगा। इसमें जनरल नॉलेज का सिलेबस 10th लेवल का पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग 10th लेवल की होगी, जनरल हिंदी इसमें 10th लेवल की होगी, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन इसमें 10th लेवल की होगी, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और साथ के साथ टेक्निकल पेपर एज अ फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। जो फाइनल ईयर में तुमने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पढ़ा है ना, उससे संबंधित इलेक्ट्रिकल ट्रेड के जो सवाल है वो भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है, जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहता है, तो भाई आज ही फिल कर दो, क्योंकि 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपकी योग्यता है तो आप फिल कर दीजिए। इसके साथ इसी सेशन के कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक को पिन कर दिया जाएगा गूगल फॉर्म की तरह। उस गूगल फॉर्म में आप अपना नाम, अपना नाम जो भी वहां पर आपसे जानकारी मांगी जाएगी, जैसे नाम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपकी मेल आईडी हो गई, उसे आप फिल कर देना, ताकि मान लीजिए अगर हमें लगता है अधिक विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो यहां पर हम आपके लिए क्लासेस भी स्टार्ट करवा देंगे और कुछ टेस्ट सीरीज भी आपको मुहैया करवा देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। आशा करता हूं सही तरीके से चीजें आपको समझ आ गई होंगी, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या होगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।